हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे टेक्निकल अवे यूट्यूब चैनल में और टेक्निकल अवे यूट्यूब फैमिली में। अगर हमारी फैमिली का हिस्सा आप अभी तक नहीं बने हैं तो जाना है टेलीग्राम पे, सर्च करना है टेक्निकल स्पेस अवे स्पेस फैमिली और अभी ज्वाइन हो जाना है। अदरवाइज जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। बताना चाहूंगा गाइज, अगर आप वहां पे नहीं हैं तो लाइव ट्रेडिंग मिस कर रहे हैं, लाइव सेशंस मिस कर रहे हैं और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और हमारे ही चैनल पे मिलेंगी और आप मिस कर रहे हैं। सो गाइज, एक बार हमारे जो सिग्नल हमें मिला है उस पर वर्क करते हैं। तो यूरो यूएसडी एक मिनट के लिए जो स्ट्रॉन्ग बाय पे रहने वाला है, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी ऑलरेडी सेलेक्टेड है स्ट्रॉन्ग बाय पे, मतलब मैंने ऊपर के लिए ट्रेड कर दिया। सो गाइज, इसके बारे में मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। उनको लगता है भाई बाइनरी और ट्रेडिंग जो बहुत मुश्किल है और इसे आसान नहीं किया जा सकता। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके जो व्यूज़ हैं बिल्कुल चेंज होने वाले हैं इससे रिगार्डिंग। बाकी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, उन लोगों के लिए बता देता हूं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप दो स्प्लिट स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर वर्किंग पे है, लैपटॉप की स्क्रीन है, और दूसरा आप चेक कर पा रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। दोनों पे जो करेंसीज हैं बिल्कुल सेम सेट की हुई है मैंने, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे अब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है, ये हमारी टीम से यानी मैंने डेवलप किया है। और इस सॉफ्टवेयर में आप चेक कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो कस्टम इंडिकेटर्स हैं आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर आप पेड भी जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर के जो कस्टम इंडिकेटर्स हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। ये सारे डिजाइंड हैं, कस्टमली रीप्रोग्राम्ड हैं, तो आपको कहीं भी ये नहीं मिलेंगे। और इसकी एक्यूरेसी आपको कहीं भी, इस तरीके की एक्यूरेसी आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मुझे एक सिग्नल मिला था, मेरे सॉफ्टवेयर ने मुझे इंडिकेट किया था कि अगले एक मिनट के लिए, आप चेक कर पा रहे हैं मेरा ये एरो है, ये चेक कर पा रहे होंगे कि अगले एक मिनट के लिए जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग बाय पे रहने वाला है। और जो सिग्नल मुझे मिला था, ये जो मुझे अलर्ट मिला था, ये मिला था 11:13:10 पे। अभी जो टाइम हो रहा है आप चेक कर पा रहे होंगे ऊपर, 11:14 हुए हैं, यानी लगभग एक मिनट पहले मुझे सिग्नल मिला था। और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे नीचे मैंने टाइम जो सेलेक्ट किया हुआ था, एक मिनट सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, ये जो अर्निंग है मेरी लाइव अकाउंट पे, ये चेक कर लीजिएगा कि कितनी थी पहले और अब इस वीडियो के बाद कितनी होने वाली है, यानी इस वीडियो के दौरान मैं आपको कितना दिखाने वाला हूँ, इस सिर्फ कुछ ही टाइम में कितनी अर्निंग यहाँ पे कलेक्ट होने वाली है, ठीक है। सो गाइस, एक ही ट्रेड हमने विन कर लिया है। तो किस तरीके से सॉफ्टवेयर वर्क करता है आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो अलर्ट सिस्टम आप हमने अभी अभी देखा, सो गाइज ये अभी अभी डिजाइन किया गया है, मतलब इसको लाइक 3 साल की मेहनत है इस पूरे सॉफ्टवेयर के पीछे, रीप्रोग्राम के पीछे पूरे 3 साल की मेहनत लगी है और उसके बाद ये प्रोग्राम जो है डिजाइन हुआ है। बेसिकली आप चेक कर पा रहे हैं कि कितना इजी हो गया है ट्रेडिंग, जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, हम बेसिकली ट्रेड के साथ उस तरीके से खेलने वाले। सो गाइज, अब जो नए हैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि चेक कर पा रहे हैं ये कस्टमली डिजाइन है। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं ये एरो जो है ये इंडिकेट करेगा कि ये ट्रेड जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे ही रहने वाला है। और यहाँ पे आप एक एरो और चेक कर पा रहे होंगे, लाइव चल रहा है, लाइव बिल्कुल आप चेक कर पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे जैसे पिछली मेरी वीडियो को देखे कि आप लाइव करके दिखाओ, संडे का जो मार्केट है क्लोज रहता है इसलिए आप लाइव करके दिखाओ क्योंकि लाइव में सिनेरियोज अलग रहते हैं। तो मेरे भाई, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, लाइव हो या डेमो हो या फिर आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाओ, आपको जो सिनेरियोज रहते हैं वो कहीं भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाले। अब गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे मुझे जो अलर्ट मिला था वो यूरो यूएसडी का मिला था क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 करेंसीज जो है वो सेलेक्ट की हुई हैं। देखिए, यूरो यूएसडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यूएसडी सीटीएफ, और ये 4-5 मैंने जो सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, 4-5 मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं करेंसीज। तो अब ये करेंसीज में आप चेक कर पा रहे होंगे, मैं कोई करेंसीज को ओपन करूंगा, किसी भी करेंसी को। तो जैसे मैंने पहले यूरो यूएसडी में अभी काम कभी कर रहे हैं तो यूरो यूएसडी को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक एरो आप देख पा रहे होंगे, ऊपर की डायरेक्शन में एरो बना है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्रॉस भी इंडिकेशन मिल रहा है। इसका मतलब है जो ट्रेड है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर ही रहने वाली है अगले 5-6 मिनट के लिए या फिर ज्यादा टाइम के लिए। क्योंकि अगर हिस्ट्री में भी आप जाएंगे तो हिस्ट्री में भी आप चेक कर पाएंगे, जहां भी एरो बना है उसके हिसाब से ही मतलब ट्रेड रही है। अब देखिए यहाँ पे एक क्रॉस बना था, एरो नहीं बना था। चलिए अभी जीबीपी यूएसडी पे जाते हैं, हमारे पास एक इंडिकेशन आया है जीबीपी यूएसडी अगले एक मिनट के लिए माइनर सेल पे होगा और एग्जिट कर दो अगर बाय पे रखा है। तो अभी हम जीबीपी यूएसडी सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको देखिए इसका मतलब भी समझाऊंगा, लेकिन टाइम अभी मैं यहाँ पे नहीं वेस्ट कर सकता। तो जीबीपी यूएसडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और माइनर सेल यहाँ पे कहा है तो मैं माइनर सेल पे चला जाऊंगा।
ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली कि इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, बेसिकली जो डिज़ाइन किया गया है ये सॉफ्टवेयर फॉरेक्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, बाइनरी में भी यूज़ कर सकते हैं। जब से ये अलर्ट सिस्टम इसमें ऐड हुआ है, इसकी एक्यूरेसी का तो जवाब नहीं है भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है ट्रेडिंग को। और ये जो इस पे जो वर्किंग चल रही थी गाइस, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, इसको रीप्रोग्राम करने में, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। सो गाइस, आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर आप ये सॉफ्टवेयर है कहाँ से मिल जाएगा हमें, तो गाइस बताना चाहूंगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कस्टमली रीप्रोग्राम सॉफ्टवेयर है तो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अब एक चीज और चेक करेंगे, जीबीपी यूएसडी फिर से माइनर सेल दिखाया है हमने, तो मैं और यहाँ पे एक और सिग्नल मिला है कि एग्जिट कर दो अगर बाय पे हो तो, यानी इन्होंने फिर से इंडिकेट किया है कि अगर अभी भी बाय पे हो तो अभी भी जो है इसको एग्जिट कर दो। तो अगर बेसिकली आप ट्रेड ओपन करते हो फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड ओपन करते हो तो वहां पे आपको जो है, देखिए यहाँ पे एक और प्रॉफिट मैंने ले लिया है, ठीक है, चेक कर पा रहे होंगे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली ट्रेंड्स को फॉलो करता है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैन्युअली सेट इस तरीके से किया गया है कि मार्केट की जो ट्रेंड लाइन रहती है अप और डाउन, उसको इस तरीके से फॉलो करता है कि इसकी एक्यूरेसी एक नेक्स्ट लेवल पे है। इसकी एक्यूरेसी इस लेवल पे है कि हम चाह के भी कुछ भी कर लो गाइज, इस सॉफ्टवेयर को आप गलत साबित कर ही नहीं पाओगे। बाकी मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। और गाइज बात यहां पे ये आ रही है कि आप ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहां पे इस तरीके से वर्क नहीं करता कि हम मार्केट से कोई परचेस करके, हमने मार्केट से सॉफ्टवेयर परचेस किया है और मैं वो आपको दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है कैसे वर्क कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर मैन्युअली डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि एक एक चीज बारीकी से इसमें देखी गई है, एक एक सिग्नल को इसमें बारीकी से इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसमें आप एक ट्रेड हारोगे तो एक भी ट्रेड नहीं, लेकिन यहां पर एक सिनेरियो जरूर बनता है, वो बनता है ड्रॉ का। वो ड्रॉ का सिनेरियो इस केस में बनता है क्योंकि ये जो सिग्नल आपको मिलता है, ठीक है, ये जो सिग्नल आपको मिलता है, जैसे अभी सिग्नल मिला है माइनर सेल का, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल या स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मुझे नहीं मिला था, मुझे मिला था माइनर सेल का सिग्नल। और जैसे ही मुझे माइनर सेल का सिग्नल मिला, मैंने देखिए अब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो किस तरीके से मार्केट फ्लक्चुएट हुआ। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा जो ट्रेड है वो डेफिनेटली हम जीतेंगे या तो ड्रॉ होगा, यहाँ पे हारने का तो सवाल ही नहीं बनता। सॉफ्टवेयर इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है कि हम हारेंगे तो डेफिनेटली नहीं इस सॉफ्टवेयर से। तो गाइस अब आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूं। बेसिकली देखिए किस तरीके, अब एक और सिग्नल हमें मिला है, वो है यूरो यूएसडी का मिला है माइनर सेल। तो अभी सबसे पहले यूरो यूएसडी, पहले जीबीपी का भी एक सिग्नल मिला है, जीबीपी यूएसडी एक मिनट के लिए माइनर सेल पे रहने वाला है और एग्जिट रहने वाला है, तो मैं माइनर सेल पे इसको कर देता हूं, ठीक है। हालांकि मैं माइनर लाइक एक दो सेकंड से पीछे रह गया इसमें करने में, लेकिन कोई बात नहीं। अब जाते हैं यूरो यूएसडी पे, यूरो यूएसडी पे जाके वहां भी हम जो है सेलेक्ट करने वाले हैं माइनर सेल पे, यहां पे दिखा रहा है, तो मैं माइनर सेल पे कर देता हूं, ठीक है। अब एक और सिग्नल मिला है हमें, वो मिला है यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल का मिला है, तो यहाँ पे तो कहना ही कुछ अलग हो गया। अब इसके बाद जो है ये डेफिनेटली हम जीतने वाले हैं ट्रेड, इसकी तो कोई मतलब कोई मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना है, या तो ड्रॉ होगा या फिर हम जीतेंगे, हारने की तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती है। तो तीन ट्रेड अभी हमारी ओपन है, देखते हैं हम उसमें से कितने विन करते हैं कितनी लॉस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्यूरेसी हम टेस्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, ऑलरेडी मैं बहुत वर्क कर चुका हूं इस सॉफ्टवेयर पे हम चेक करने में, तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है खुद बनाया गया है, खुद कस्टम मेड है, तो वैसे भी एक्यूरेसी पे कोई सवाल उठाने वाला उठाने पे कोई सवाल बनता नहीं है इसकी एक्यूरेसी पे। फिर भी आप हम चेक जरूर करेंगे इसकी एक्यूरेसी और उसी पे लगे हुए हैं। तो यहाँ की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि यहाँ पे आपका लॉस तो डेफिनेटली बनता ही नहीं है, लॉस तो आप होगे ही नहीं। अगर लॉस हो भी जाओगे तो अगली जो ट्रेड है उसमें आप डेफिनेटली उसको कवर कर लोगे। किस तरीके से कवर करोगे चेक कर लेंगे। देखिए अब एक लॉस हमारा हुआ था, वो लॉस इस वजह से हुआ होगा कि मार्केट एक सेकंड के फ्लक्चुएशन की वजह से एक लॉस हमारा हुआ, उसके बदले हम देखिए कितनी जो है विन करने वाले हैं। यहाँ पे एक सिग्नल हमें मिला लॉस हुआ जिसमें, और उसके बाद हम विन भी डेफिनेटली यहाँ पे करने वाले हैं, या तो यहाँ पे ड्रॉ होगा या फिर आपका विन होगा। लॉस होने के चांसेस यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए एटलीस्ट 1% है, जो कि भी अभी इसकी एक्यूरेसी और मैं एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसपे वर्क चल रहा है और जिसके बाद ऐड होने के बाद ये और एक्यूरेट हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था, मेरा बैलेंस जरूर चेक कर लेना कि स्टार्टिंग में कितना था और एंड में कितना होने वाला है जब हम वीडियो क्लोज करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर जाएगी लेकिन लास्ट तक देखना, मजा जरूर आएगा। तो गाइस देखना यहाँ पे, देखिए मुझे एक एरो मिला है, एक एरो इंडिकेट कर रहा है यूरो यूएसडी जो है, इंडिकेशन मिला है कि यूरो यूएसडी जो है इस पॉइंट से नीचे ही रहने वाली। कौन से पॉइंट से नीचे रहेगी मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन से ये नीचे ही रहने वाली है, ये इस लाइन से नीचे ही रहने वाली है, आप चेक करेंगे तो। अब गाइस देखिए फिर से मार्केट जो है नीचे की तरफ फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है, अगर आप चेक कर सकते हैं तो।
ठीक है, ये वो भी यही चीज इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है नीचे जाएगा रियल टाइम में। और अगर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं 1 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी नीचे की तरफ सेट है, ठीक है, आप चेक कर पा रहे हैं। और मार्केट ने देखिए कितनी बड़ी छलांग ली है नीचे की तरफ। अगर हम इस सॉफ्टवेयर को फॉलो करते हैं, चेक कीजिए, देखिए इस सॉफ्टवेयर को अगर हम फॉलो करते हैं नीचे की तरफ, देखिए तो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, क्या एक्यूरेसी है, क्या आप चेक कर सकते हैं कितनी ऐसी एक्यूरेसी लाने में आपको कितना टाइम लगेगा। और जो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी एक्यूरेसी आपको पता ही होगा, $35 से $40 के पेड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, लेकिन एक्यूरेसी किसी मामले में किसी हद तक मैच नहीं करती है। सो गाइज देख पा रहे होंगे अभी बिल्कुल सेम जैसे मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है वैसे ही आप लाइव इसको देख पा रहे होंगे। सेम मुझे मिला कि इस पॉइंट से मुझे ऊपर नहीं जाएगी ट्रेड, इस पॉइंट से तो यहाँ पे इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी, और हालांकि आप जब तक देख पा रहे हैं इस पॉइंट से नीचे ही जा रही है ट्रेड, और यहाँ पे मुझे यही मिला है। तो अब हम एक और सिग्नल का पॉपअप का वेट करेंगे जो हमने डिजाइन किया है, और उसके बाद हम और ट्रेड करेंगे और डेफिनेटली और विन यहाँ से करने वाले हैं। लाइव अकाउंट में आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम विन करेंगे। अकाउंट आप चेक कर पा रहे होंगे, स्टार्टिंग किया था तो 500 कुछ डॉलर था, अभी 549 हो चुके हैं, और मुझे लगता है अगर हमें 2-4 सिग्नल और जल्दी जल्दी मिल जाए तो यहाँ से जो है टोटल 600 आज अभी कुछ ही देर में हम डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज एक और बात बता देता हूँ, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है कहाँ से मिलेगा, लिंक कहाँ मिलेगा इस सॉफ्टवेयर का। तो गाइज उन लोगों को बता देता हूँ, इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये कस्टम मेड सॉफ्टवेयर है गाइज, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से खरीदा गया है या कहीं से ये बनाया गया है, ये सारी चीज़ें मतलब आपको ये डिज़ाइन जो दिख रही है ये पूरी रीप्रोग्रामड है, मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है। और अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो हम लोगों ने वर्क किया है पिछले 3 साल में उसका 10% भी नहीं है, यहाँ पे ये जो चीज़ें देख पा रहे हैं ये 10% भी नहीं है। अभी इतने सारे इंडिकेशन है यहाँ पे, मैं और ऐड कर सकता हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा आप लोगों के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि आप उसको समझ नहीं पाओगे, और उसको समझ अगर आप नहीं पाए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं अभी तक सिर्फ बेसिक इंडिकेटर्स के साथ जा रहा हूँ। सो बेसिकली गाइज ये जो सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम हमने रखा है सुपर सिग्नल सिस्टम, ठीक है गाइज, सुपर सिग्नल सिस्टम इसका नाम रखा है हम लोगों ने। तो ये जो सिग्नल है, ये जो सॉफ्टवेयर है आप देख पा रहे हैं, सो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टाइम और बहुत ही मेहनत लगी है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में, ठीक है। सो गाइज आप जैसे कि स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं मैंने करेंसी चेंज कर लिए, GBP USD करेंसी कर ली। एक सिग्नल और हमें मिला है, हमें वो मिला है यूरो USD का स्ट्रॉन्ग बाय पे। सो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर यूरो USD मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, चेक करें स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मिला है मुझे, तो मैं जाऊँगा स्ट्रॉन्ग बाय पे डेफिनेटली, लेकिन मैं वेट करूंगा 10 सेकंड का। क्यों अब नहीं मैं वेट करूंगा, क्योंकि गाइज 10 सेकंड का वेट मैं इसलिए करूंगा क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो अलर्ट सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, सॉफ्टवेयर का अलर्ट सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो आपको जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा वो आफ्टर 10 सेकंड बाद आपको अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि गाइज जब ये सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा सिस्टम, तो प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि आपको जैसे ही अब सिग्नल प्रोवाइड होंगे तो 10 सेकंड आपको, मतलब हमारा जो सोच है, हम लोगों ने, हमने टीम ने क्या सोचा है कि 10 सेकंड आपके लग जाएंगे। किस तरीके से लग जाएंगे 10 सेकंड? उसको अप्लाई करने में, यानी आप जब करेंसी चेंज करोगे तो 10 सेकंड आप वहां पे वेस्ट कर दोगे। तो ये जो सिस्टम है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, 10 सेकंड के बाद आपको ट्रेड करनी है। और गाइज आप देख पा रहे होंगे स्ट्रॉन्ग बाय का मुझे सिग्नल मिला था, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे मैंने ट्रेड की थी, और इस पॉइंट से लेके अगर आप चेक कर पा रहे होंगे किस तरीके से मार्केट अप गया है, यानी कोई एक्सट्रीम लेवल का रिसर्च आप देख पा रहे होंगे क्या है, किस तरीके से ट्रेड अप गया है। हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो पॉइंट मैंने जहां पे सेट की थी ट्रेड, उसके बाद ये अप किस तरीके से ट्रेंड लिया है अप की तरफ, और लगभग लाइक इतनी जो डीप रिसर्च और इतना एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता गाइज मैं कहीं भी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप इस रिसर्च, इस सिस्टम से आप लगभग 100 में से 1 ट्रेड शायद आप हार जाओ। जो सिस्टम मैंने डिजाइन किया है, हम लोगों ने डिजाइन किया है, इसमें से शायद ही आप 100 में से कोई 1 ट्रेड हारोगे। अभी भी आप देखते रहना गाइज, अभी पूरी वीडियो बाकी है और लास्ट तक देखना ताकि और मजा आएगा। अभी थोड़ी वीडियो को आज लंबा बनाएंगे ताकि बाकी जितने लोग हैं, जिन लोगों को डाउट है मेरे सॉफ्टवेयर पे, जिन लोगों को डाउट है मेरे वर्क पे, जिन लोगों को लगता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर रियल टाइम सिनेरियोज में वर्क नहीं करता, या मेरे पास जो कमेंट्स आए मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा गाइज, उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं, उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि गाइज मेहनत हो आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइज डेफिनेटली अब सिग्नल का हम वेट करेंगे, जैसे हम उस अलर्ट सिस्टम का भी वेट अगर ना करें तो यहां से भी हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक है, यहां से भी हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमें देखिए अब जीबीपी यूएसडी सेलेक्ट करूंगा मैं और हम डायरेक्ट ट्रेड लेंगे। देखते हैं यहां से देखिए आप किस तरीके से डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। जीबीपी यूएसडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और देखिए जो एरो है मुझे देखिए नीचे की तरफ मिला है, यानी कि अब जो ट्रेंड जो सेट हुआ है वो नीचे की तरफ सेट हुआ है कहां के बाद से, यानी ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो है इससे नीचे ही ट्रेंड रहने वाला है। कितनी देर तक रहेगा अभी तक इसका कुछ फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन इससे नीचे ही रहने वाला है। अब मैं इस मेरे नीचे के जो दो इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं, तो ये इंडिकेटर्स अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो ये इंडिकेटर्स गोल्ड माइनर जो मुझे कह रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाने की भी अभी चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम मुझे नीचे की तरफ यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं मिला। जैसे ऐसा क्रॉस मिल जाएगा अगर वो ट्रेड में कोई चेंजेस जरूर होंगे तो मुझे यहाँ पे क्रॉस मिलेगा और एरो की तरफ निशान, एरो का निशान जो है जरूर मिलेगा, तो ये चीजें जरूर मिलेंगी, तो इसे भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। वर्किंग चल रही है इस सॉफ्टवेयर पे, पूरी वर्किंग चल रही है लाइव अभी तक, ये मार्केट में सॉफ्टवेयर नहीं है ये और मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि ये मैं पब्लिक नहीं करने वालूंगा इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। बाकी आपको इससे अर्निंग बहुत होगी, क्योंकि यहां से मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप लोगों की बहुत अर्निंग कराने वाला हूं, इतनी गारंटी डेफिनेटली आपकी हमारी तरफ से है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे दो कैंडल ब्लू मिल गई है मुझे, तो इसका मतलब ट्रेड जो है अप जाने वाली है इसके बाद से, लेकिन फिर भी अभी मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा हमारे जो न्यूली डिजाइन सिस्टम है, अलर्ट सिस्टम जो हमने डिजाइन किया है न्यूली, उसका वेट करेंगे और उससे देखेंगे कि बेसिकली किस तरीके से। ये एक और सिस्टम हमें मिला है, इसमें क्या है जीबीपी यूएसडी दिखा रहा है कि मंथली दिखा रहा है, लेकिन अभी मंथली का हमें जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो हम यहाँ पे मिनट पे ही जाएंगे। मैंने अभी मंथली सेट किया था इसको चेक करने के लिए बेसिकली कि मंथ में, अब देखिए अगर मंथ का भी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय पे दिखाएगा, यानी पूरे मंथ का भी आपको अलर्ट मिल जाएगा। और इस तरीके से डिजाइन इस सॉफ्टवेयर को किया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर को, इसके पीछे इतना एल्गोरिथम है और इस तरीके से वर्किंग है कि जो इसको, इसकी जो वर्किंग है और इसकी एक्यूरेसी है इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। किसी भी तरीके से आप चेक करेंगे, आपको मैंने लाइव करके दिखाई है ट्रेडिंग और एक नेक्स्ट लेवल पे हर एक ट्रेड के बाद हम जा रहे हैं। और आने वाले अभी एक सिग्नल हमें मिला है जीबीपी यूएसडी, एक मिनट के लिए सुपर सिग्नल मिला है, माइनर बाय पे है, ठीक है, अभी माइनर बाय पे है, तो मैं अभी वेट करूंगा, अभी मैं वेट करूंगा एक छोटे से पॉइंट का कि मुझे ग्रीन पॉइंट हल्का सा दिखे, क्योंकि अभी माइनर है, स्ट्रॉन्ग बाय पे नहीं है। और यहाँ पे लिखा है एग्जिट सेल, तो ओहो गाइज यहाँ पे बड़ा छलांग ले लिया और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी कर दिया है। तो गाइज अब आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे माइनर बाय लिखा था और एक लिखा था एग्जिट सेल। एग्जिट सेल का मतलब कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि अगर यहाँ पे आप हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी जो सेल है अगर आप सेल पे हैं तो उसे एग्जिट कर दो, यानी इस पॉइंट के बाद आपको बाय के सिग्नल्स दिखने वाले हैं, मोस्ट जो सिग्नल है वो बाय के दिखने वाले हैं। और एक और मुझे मिला है सिग्नल जिसमें बताया है माइनर बाय, तो यहाँ पे मैं एक और बाय पे जाने वाला हूँ और ये मैं बाय पे चला गया, क्योंकि ये जो सिग्नल है आप देख पा रहे होंगे अचानक से बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई है रेड कलर की, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, लेकिन देखते हैं क्या है। और ये जो ट्रेड है डेफिनेटली ऊपर वाली ट्रेड तो हम हारने वाले हैं, बट नीचे वाली ट्रेड जो है मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे। तो रीज़न क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं मिले थे और मैंने थोड़ा जल्दबाजी की और यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं जो ट्रेड है वो ले ली ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं है, अब यहाँ पे जो सिग्नल मिला है मुझे स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मिला है, चेक कर लो, स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मिला है और मैंने स्ट्रॉन्ग बाय पे यहाँ पे ट्रेड एक और कर दी। सो गाइज अभी एक लॉस हमारा हुआ, एक ट्रेड का जो लॉस हुआ उसको हम अगली दो ट्रेड से किस तरीके से कवर करेंगे आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे वो लॉस जो हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है, सॉफ्टवेयर की कोई गलती यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे माइनर बाय के सिग्नल मिले थे लेकिन मैंने जो ट्रेड है वो कॉन्फिडेंटली ऊपर की तरफ कर दी, क्योंकि यहाँ पे जब तक स्ट्रॉन्ग बाय के सिग्नल नहीं मिलते मुझे ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए था और डेफिनेटली यही गलती हुई और इसी की वजह से दो ट्रेड जो है वो हार गए हैं। और अगले दो ट्रेड में वो कवर करने वाला हूँ मैं, वो चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली किस तरीके से हम कवर करेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने बताया ये सॉफ्टवेयर है जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्यूरेसी आपका थोड़ा सा दिमाग अप्लाई होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे गलती मुझसे हुई और जिसकी वजह से एक ट्रेड का नुकसान हो गया, दो ट्रेड का, बट डेफिनेटली यहाँ पे और जाएंगे और डेफिनेटली विन करने वाले हैं। वीडियो 18 मिनट की हो गई है, तो लास्ट अभी इस ट्रेड देखिए
जो सिग्नल मिला था, स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मिला था, और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मार्केट ने छलांग ली। हालांकि वो जो दो ट्रेड हमने की थी उसमें जरूर नुकसान हुआ, लेकिन इसको कवर करने का भी तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही सिग्नल मिलेंगे स्ट्रॉन्ग बाय के और स्ट्रॉन्ग सेल के, आपको बस बिना सोचे समझे जाना है और स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल कर देना है। हालांकि वो जो दो सिग्नल बीच में दो ट्रेड हम हारे, वो गलती से हार गए थे, अदरवाइज सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी पे कोई सवाल नहीं बनता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अब मेरा फाइनल बैलेंस भी देख लो 545 हो गया। अगर वो दो ट्रेड हम नहीं हारते तो यहाँ पे डेफिनेटली जो बैलेंस था 2570 आपको मिलने वाला था। ओवरऑल प्रॉफिट में है, और जो ये सॉफ्टवेयर है प्रॉफिट सिग्नल ही आपको प्रोवाइड करता है। बाकी इसकी जो एक्यूरेसी है उस पर अभी भी वर्क चल रहा है, और इस पर वर्क चलता ही रहेगा आने वाले टाइम में। इतना ईजी हो जाएगी चीज़ें जितना आप सोच भी नहीं सकोगे। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी नई वर्किंग आपको, ये जो अलर्ट सिस्टम है ये भी पसंद आया होगा, और लाइक वीडियो को कर दिया होगा आपने, कमेंट भी जरूर कर दिया होगा। चलिए मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक्साइटिंग कंटेंट के साथ।